गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन महावीर इंटरनेशनल स्कूल और महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश कंपल्सरी जो है सब्जेक्ट उसकी क्लास बता रहे हैं आपको, क्लास में टीचिंग करवा रहे हैं। तो इसका पार्ट पांचवा में आज डाल रहा हूँ। इससे पहले चार पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं या वीडियो बना दिया है। आपने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा वीडियो को। मैं थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको पीछे क्या बताया। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिलेबस के बारे में जानकारी दी, उसके बाद में सेकंड में जो कंपोजिशन शॉर्ट कंपोजिशन का जो पहला टॉपिक है नोटिस लिया मैंने, नोटिस के बारे में आपको बताया, एग्जांपल दिया। और उसके आगे फिर मैंने नोटिस का ये एग्जांपल फिर दिया तीसरे वीडियो में भी। और चौथे में मैंने फिर क्या है कि पोस्टर लिया। पोस्टर के बारे में आपने समझा होगा कि पोस्टर कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। आशा है, उम्मीद है कि आपने उसको बढ़िया तरीके से समझा होगा, तैयार किया होगा। आज हमें पोस्टर का ही एक सेकंड एग्जांपल, दूसरा उदाहरण बोल लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है सेकंड एग्जांपल, क्या है इसका क्वेश्चन, समझते हैं कैसे पोस्टर बनता है, ये भी देखते हैं। तो देखिए बेटा, नोटबुक और पेन लेके बैठना है और वीडियो को सुनना है, अच्छी तरह नोट करना है, ठीक है। बाई मिस्टेक कभी क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये आगे पीछे मान लो कि बाई मिस्टेक अगर डाल दिए जाते हैं तो आपके पास तो सारे पार्ट आएंगे। तो आप मतलब जैसे मान लो कि आज मैं 500 पार्ट बना रहा हूँ, तो 1 से 5 तक आपके पास आ जाए तो आप 1, 2, 3 इस प्रकार सिक्वेंस में इनको पढ़ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, ठीक है। देखिए, प्रिपेयर ए पोस्टर टू एनवीज पीपल टू सेव द गर्ल चाइल्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। प्रिपेयर, तैयार करो ए पोस्टर एक भव्य विज्ञापन टू एनवीज, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए पीपल, लोगों को, टू सेव द गर्ल चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड कन्या को बचाने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक 50 लगभग 50 शब्दों में पोस्टर तैयार करो। ताकि जैसे कन्या भ्रूण फीमेल फेमिनिसाइड हो रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, इस पर नियंत्रण हो। कन्या का क्या महत्व है समाज में, कन्या को बचाने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है क्या रेशो चल रहा है पॉपुलेशन या जनसंख्या में देखा जाए तो लड़का और लड़की का रेशो अनुपात क्या है, क्योंकि लड़कियों का जो अनुपात है लड़कों की तुलना में काफी ग्राफ मतलब नीचे जा रहा है, कहा जाए तो उनकी तुलना में संख्या कम होती जा रही है लड़कियों की। कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या, कोख में ही लिंग परीक्षण करवाया जाता है और उसके बाद में उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो लोगों को कन्याओं के महत्व के बारे में बताना है हमें पोस्टर के माध्यम से, और लड़कियों को बचाने का प्रयास करना है इस पोस्टर के माध्यम से। चिल्ड्रन जो वेलफेयर क्लब है उसने इस पोस्टर को प्रसारित किया है जनहित के लिए या लड़कियों के लिए। देखिए, सबसे पहले सेव द गर्ल चाइल्ड यानी लड़कियों को या फिर कन्याओं को बचाने हेतु तो हम ये पोस्टर जारी कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में से देख करके आपको शीर्षक टाइटल देना है। तो देखो, सेव द गर्ल चाइल्ड, कन्याओं को बचाओ, लड़कियों को बचाओ, शीर्षक के लिए टाइटल दे दिया हमने, ठीक है। आपको पता है पोस्टर के फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि सबसे पहले टाइटल और यथासंभव उसको कैपिटल लेटर में लिखे, डेकोरेटिव टाइप में लिखे, मतलब आकर्षक सजावट तरीका होना चाहिए। उसके बाद में हमने विजुअल इनपुट, वर्बल इनपुट फॉर्मेट में देखा। विजुअल इनपुट का मतलब है कोई पिक्चर, तस्वीर आदि के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा दी,
तो हमने क्या है कि लड़की का या बालिका का यहाँ पिक्चर चित्र बनाया और नीचे लिख दिया सेव बचाओ। इधर भी हमने लिखा, इधर लिखा डोंट डू नॉट किल देम, उन्हें मत मारो। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से हमने संदेश दे दिया। अब आपको पता है कि जब ये पोस्टर के बारे में आपको बताया समझाया, उस समय बताया था कि आवश्यक है कोई स्लोगन से या कोई अट्रैक्टिव सेंटेंस का भी आपको यूज करना है। तो हमने लिखा है यहां ए गर्ल चाइल्ड इज है एज प्रीशियस एज ए बॉय चाइल्ड, एक कन्या या लड़की इज है होती है एज प्रीशियस उतनी ही मूल्यवान जितनी की एक बॉय चाइल्ड लड़का होता है, यानी एक लड़की उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी की एक कितना की एक लड़का होता है। एक लड़की उतनी ही मूल्यवान होती है जितना कि एक लड़का मूल्यवान होता है। समाज में, फैमिली परिवार में, सब में लड़का लड़की का बराबर महत्व होता है। हम लड़की नहीं चाहते हैं, लेकिन कल्पना करो कि लड़की के बिना, लड़की एक माँ बनती है, एक बहन बनती है और आगे जाकर के वो किसी की पत्नी बनती है। कहने का मतलब भी अगर, क्योंकि आप सोचो कि एक कन्या का हम वध करेंगे तो संसार कैसे उसकी यानी कहने का मतलब जनसंख्या कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमें एक माँ चाहिए, एक बहन चाहिए, पत्नी चाहिए। तो आने वाले समय में फिर ये कहाँ से आएगी जब हम कन्याओं की हत्या कर रहे हैं। तो जब हम चाहते सब कुछ है तो फिर हम इनकी हत्या क्यों करें। तो देखो बेटा, समाज में क्या है कि लड़का और लड़की है ये दोनों मूल्यवान है, दोनों की कीमत सेम है, तो हमें अंतर नहीं करना चाहिए। ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रीशियस एज ए बॉय चाइल्ड, लड़की उतनी ही मूल्यवान है जितना कि लड़का होता है। लेट देम लाइव, उन्हें जीने दो, या लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो, उन्हें जीने दो, ठीक है, उन्हें जन्म लेने दो, आगे दे। अब हमने वर्बल इनपुट के कुछ शब्दों के माध्यम से और संदेश देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा न्यूरिश देम, उनका पालन पोषण करो, पालन पोषण करो उनका, ठीक है, न्यूरिश पालन पोषण करो, देम उनका किनका, गर्ल चाइल्ड लड़कियों का पालन पोषण करो। लव देम, उनसे प्रेम, इसमें प्रेम करो, वो भी बराबर है जैसे लड़कों से प्रेम करती है लड़कियों से प्रेम करो। एजुकेट देम, उन्हें शिक्षित करो, शिक्षा दो। मेक देम इंडिपेंडेंट, उन्हें स्वतंत्र बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, निर्भर नहीं, यानी कहने का स्वतंत्र बनाओ, किसी पर निर्भर नहीं रहे, इस प्रकार की उनको शिक्षा दो, इस प्रकार उन्हें मतलब आप उनका पालन पोषण करो, तैयार करो। इधर देखिए डोंट किल देम, उन्हें मत मारो, डोंट किल देम, उनको उनका वध मत करो, उनकी हत्या मत करो, उन्हें मत मारो। बट इज देयर राइट, जन्म इज है देयर राइट, उनका अधिकार, जन्म उनका अधिकार है, जन्म लेना उनका अधिकार है। केयर देम प्रॉपर्ली, उचित प्रकार से उनकी देखभाल करो। इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो अवश्य हम ये लड़कियों की जान बचाएंगे, कन्या भ्रूण हत्या है इसको रोकेंगे, इनके महत्व को समझेंगे, जरूर इनके अनुपात में समानता, लड़का लड़की के अनुपात में समानता है, इतना जो डिफरेंस है वो कम होगा, अंतर कम होगा। अब फिर हमने एक अट्रैक्शन वाला या एक स्लोगन काम भी दिया है, यू एजुकेट देम टूडे, देखो यू एजुकेट देम टूडे, तुम एजुकेट शिक्षित करते हो देम उन लड़कियों को, उन कन्या
आज आप उन्हें शिक्षित करते हो। They will educate all of your family tomorrow। अगर आप आज आप लड़कियों को शिक्षित करते हो तो दे वे गर्ल्स हैं, वे लड़कियां, वे कन्याएं विल एजुकेट शिक्षित करेगी ऑल ऑफ योर फैमिली तुम्हारे संपूर्ण परिवार को टुमारो आने वाले कल को। आज आप किसी लड़की को शिक्षित कर रहे हो इसका मतलब आने वाले समय में वो ही लड़की तुम्हारे संपूर्ण परिवार को शिक्षित करेगी। इतनी अच्छी बात है, आज आप किसी बालिका को शिक्षा दे रहे हो तो आने वाले समय में जिस किसी घर में वो जाएगी पूरे परिवार को वो शिक्षित करेगी। आपने कभी सुना भी होगा परिवार में अगर माँ जन्म देने वाली मजबूत है, स्वस्थ है, सुशिक्षित है, ये मान लो पूरा परिवार सुशिक्षित है, स्वस्थ है, अच्छा वातावरण है उस परिवार का, अगर उसकी माँ स्वस्थ और प्रसन्न और साथ में सुशिक्षित है, इसलिए बालिकाओं को शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, ठीक है, उनका वध या हत्या मत करो, कोर्ट में उनकी जांच पड़ताल करके उनका वध या हत्या मत कराओ, कन्या भ्रूण हत्या मत करो, इनके अनुपात को जो इन अनुपात में जो अंतर है उसको गैप है उसको कम करो, है ना, ताकि समाज में लड़कियों का अभाव महसूस न हो, ठीक है। तो इस प्रकार एक बार मैं इसको फिर से मैं इसका जो भी लिखा हुआ है इनका अनुवाद हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। सेव द गर्ल चाइल्ड यानी कन्या कन्याओं को बचाओ। ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रीशियस एज ए बॉय चाइल्ड, एक लड़की या कन्या उतनी ही प्रीशियस है मतलब कीमती है मूल्यवान है जितना कि एक लड़का होता है। लेट दे में लाइव या प्ले, उन्हें जीवन जीने दो या उन्हें खेलने दो, ठीक है। ये विजुअल है मतलब तस्वीर है, बचाओ, ये तस्वीर संदेश दे रही है बचाओ इन लड़कियों को, ये कहेगी इन्हें मत मारो, है ना, डोंट किल देम इन्हें मत मारो, ठीक है। न्यूडिस देम उनका पालन पोषण करो। लव देम उनसे प्रेम करो। एजुकेट देम उन्हें शिक्षित करो। मेक देम इंडिपेंडेंट उन्हें स्वतंत्र बनाओ आत्मनिर्भर बनाओ। डोंट किल देम उन्हें मत मारो। बट इज देयर राइट जन्म उनका अधिकार है। केयर देम प्रॉपर्ली उचित प्रकार से उनकी देखभाल करो। नीचे देखो छोटे हिंदी क्या है, यू एजुकेट देम टुडे, तुम आज उन्हें शिक्षित करते हो। दे विल एजुकेट ऑल ऑफ योर फैमिली टुमारो, तो वे तुम्हारे संपूर्ण परिवार को आने वाले कल को सुशिक्षित करेगी। कंडीशनल भी बना सकते हैं कि यू एजुकेट देम टुडे, यदि आप उनको आज शिक्षित करते हो तो आने वाले समय में तुम्हारे संपूर्ण परिवार को शिक्षित करेगी, ठीक है। चाहे हम इसको कंडीशनल भी बना सकते हैं, कंडीशन का मतलब आप इसमें कुछ जोड़ दो या फिर यूं भी हम देखो स्लोगन है ऐसे भी चल सकता है। अब इसको यहां से डिवाइड कर दो, अलग कर दो, कर दिया। नीचे आपको पता है इश्यूड बाई के द्वारा जारी किया गया, इसके द्वारा जारी किया गया पोस्टर चिल्ड्रन वेलफेयर क्लब जयपुर। चिल्ड्रन वेलफेयर जो बाल कल्याण क्लब है जयपुर वाला, उसके द्वारा ये जनहित में लोगों ये जानकारी के लिए ये जारी किया गया है। तो देखो इस प्रकार ये सेव द गर्ल चाइल्ड पर ये पोस्टर तैयार हुआ। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया है और आप इसको नोट करना। अब आपका असाइनमेंट यानी होमवर्क ये है कि दो पोस्टर मैंने बता दिए, अब आपको दो अपनी स्वेच्छा से दो पोस्टर कोई से भी हेडिंग टॉपिक लेकर के दो पोस्टर आप अपने मन से तैयार करो। बात समझ में आई, नोटिस मैंने दो बताए, दो आपको तैयार करने थे, दो पोस्टर मैंने बता दिए, दो आपको तैयार करना है। जब जब कभी भी अवसर मिलेगा हम आपसे मिलेंगे, देखेंगे कि आपने वीडियो से क्या सीखा। नोटिस बनाना प्लस पोस्टर बनाना, ठीक है, दोनों बात आपको बता दी गई है। नोटिस कैसे बनता है, पोस्टर कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट कंपोजिशन का तीसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।